नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, यह है बड़ी दिवाली की शाम का दिन और मैं यहाँ पे बना रही हूँ रंगोली। बनानी तो थी नहीं, लेकिन बच्चे ज़िद कर रहे थे कि मम्मा बनाओ बनाओ, तो इसलिए मैं बना रही थी। मैं कहा चलो भाई, जब बच्चे कह रहे हैं तो कर लूँ। और यहाँ पे कलर भी नहीं मिलेगा हमें, जो दो चार ही शेड सी मिली है उन्हीं से ही। मैं कहा चलो भाई, जैसी भी बनती है छोटी मोटी सी मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन मैं बना रही हूँ और ख़ास बच्चों की रिक्वेस्ट पर। तो ये क्या बोलते हैं, कुछ कलर थे ये, पहले ये दूसरे कलर लेके आई, उसके बाद ये कलर लेके आई हैं दूसरे। तो यहाँ पे देखिए, बस मैं उन्हीं से ही बना दूँगी। तो जी, मैं कुछ कहना चाहती थी, जो मैंने इंदु नीरज की दुनिया पे एक वीडियो डाला है आज, तो उसमें कुछ लोगों को शायद ये भ्रम हो गया है कि मैंने उसमें रुचि के लिए कुछ गलत बोला है या कुछ भी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोगों ने मतलब निकाला है। एक बात का आप कितना भी तोड़ मरोड़ के बता सकते हैं, कितने भी मतलब निकाल सकते हैं, वो इंसान की सोच के ऊपर डिपेंड है। लेकिन मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैंने सिर्फ ये बोला कि स्टैंडिंग पोचे से मुझे पोचा अच्छा नहीं लगता, कि वो साफ़ नहीं होता और मुझे नहीं पता कि रुचि क्यों नहीं लगाती, जबकि वो स्टैंडिंग पोचे से ही लगाते। लेकिन उसका मतलब मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला था कि हाँ भाई वो फ़र्श गंदा रखती है या कुछ भी। मैंने ये चीज़ पहले भी बोली है, जब मैं पिंजौर हूँ तब भी मैंने ये बात बोली है कि मुझे स्टैंडिंग पोचे से सफाई नहीं लगती। वही चीज़ मैंने आज भी बोली, लेकिन उस बात को इतना तोड़ मरोड़ के बताया गया है, इतने मतलब कमेंट किए गए हैं कि आप रुचि की इंसल्ट कर रहे हैं या ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, कि तुझे दो दिन गांव में रहना पड़ जाए या कुछ भी। तो जी देखिए, सबके अपने अपने रीजन्स होते हैं गाँव में रहने के और गाँव में ना रहने के, काम करने के और काम ना करने के। तो उस चीज़ की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। मैंने पहले भी कहा है कि हर फैमिली की अपने अपने मैटर्स होते हैं, अपनी अपनी उनकी बातें होती हैं कि वो कोई काम क्यों कर रहे हैं, किस मजबूरी में कर रहे हैं, वो हम जानते हैं, मेरी सास जानती है या हमारा परिवार जानता है या फिर हमारे जो करीबी लोग हैं वो जानते हैं। सबको साथ घर की बातें शेयर नहीं की जाती, तो इसीलिए मैं भी नहीं करती कि क्यों क्या है क्या नहीं। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको चीज़ें कम समझ में आ रही हैं या एक बार में आपको लग रहा है कि वो चीज़ गलत है, तो प्लीज़ उसको दोबारा सोचिए। और इंसान अपनी सोच के हिसाब से हर बात का मतलब निकालता है, लेकिन उसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो इंसान वो बात बोल रहा है उसका भी सेम ही मतलब हो। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि दिवाली है, अपने कहते हैं कि घरों के अंधेरे के साथ साथ अपने मन के अंधकार को भी दूर कीजिए, और हो सके तो नेगेटिविटी जितनी कम हो सके उतनी कम फैलाइए। ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वही मेरा भी मतलब हो। तो अब आप इस चीज़ को लेक्चर समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, मुझे जो कहना था मुझे बस इतना ही कहना था। बाकी मैं जानती हूँ, मेरी फैमिली जानती है कि मैंने क्या बोला है, क्यों बोला है, किस वे में बोला है। बाकी सोच के हिसाब से लोग अपने अपने मतलब निकालते हैं। तो जी देखिए, रंगोली मेरी हो गई है तैयार। बहुत छोटा सा और सिंपल सा डिज़ाइन मैंने यहाँ पे तैयार किया है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो जी, हो चुकी है पूजा की तैयारी, चल रही है यहाँ पे। और इधर लगे हैं भाई साहब, लगे हैं कन्हैया और बड़े भाई, सारे के सारे लगे हैं अपने कामों में और दिए लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए, पीहू भी, पीहू अपने काम में लगी हुई है। इसने क्या बनाया, मोर? मोर अरकब की लगी, 2 घंटे हो गए, थकली होगी। और इधर दिए जो है, दिए जलाने की तैयारी हो रही है। और इंदु भी आ गई है। इंदु क्या है? अच्छा, रसोई में काम रह रहा है अभी। और पूजा करने के लिए बन रहा है सामान यहाँ पे। क्या क्या बनाया जा रहा है? हलवा, पूरी और खीर। जब पूछोगे वही बना रही पहले, क्योंकि सब्जी नहीं पूछेगी ना, तो उसे तो बाद में बना लूंगी। नमक का नहीं पूछता? हलवा पूरी पूजा कर रहे हैं, वो मस के नाम की खीर है। ठीक है, ठीक है। बस पूरी तो सेक दी मैंने, तो हलवा भी बन जाएगा, खीर भी बन जाएगी। तो जी, हो गई है तैयारी यहाँ पे भी और उधर भी। आज थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण इंदु की टांग तरजू हो रही है जी। एक आज ये तो पक्की बात है, 3 दिन हो गए। कल से मैं तो कल से परसों आए थे हम, कल से बस यही चल रहा, कल दिन में भी पूरी। कल से टांग तरजू एक है, ठीक है। पानी पुनी दू क्या तुझे? मैं सोचता रही बहुत देर तक, पीना चल रहा पहला। जितना मजा रुचि का आ रहा ना इस टाइम मेरे आने के बाद, मुझे बहुत फायदा हो रहा है। मेरा ही फायदा इतना ही तुझे, मेरा ही इतना फायदा सारी हो। तो जी देखिए, यहाँ पे गांव हमारा जो है वो सज चुका है। और ये इधर है हमारे देवता बाबा, जो कि घर के बाहर ही है।
तो वो है यहाँ पे। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि मेरी सास जो है रुचि रहती है उनके पास, तो मैं आपको बता दूँ कि जब भी हम में तीनों में से कोई आती है, हमारी सास तभी ही कहीं जाती है जब हम में से तीनों में से कोई भी एक आती है, क्योंकि हमारी सास को भी पता है कि गांव के जो काम है वो अकेले के बस के नहीं है। हम इस चीज़ को भी मानते हैं कि रुचि करती है, लेकिन ये भी सभी को पता है कि अकेले के बस का नहीं है। इसलिए जब भी मैं आती हूँ, आशु आती है या सुमन आती है, कोई सी भी आती है, तभी हमारी सास जाती है। तो जो सास के काम होते हैं वो हम तीनों में से करती है जो भी रहती है, और बाकी जो रुचि के काम है रोज़मर्रा के वो रुचि ही करती है। तो जी इसलिए इन चीज़ों को मैं बढ़ाना नहीं चाहती, लेकिन ये चीज़ें हैं जो मुझे क्लियर करनी थी, तो सो मैंने कर दी हैं। तो देखिए हमारी जो दिवाली है वो सज चुकी है और यहाँ पे हो गई है तैयारी पूरी। तो अब हम सारे के सारे करेंगे क्या बोलते हैं इसको, पूजा करेंगे हम यहाँ पे, और उसके बाद हम अपनी आरती वगैरह करेंगे जो भी है, जैसे भी मम्मी ने बताया फ़ोन पे वैसे ही हम। जी देखिए अब यहाँ पे पूजा करने के बाद जिज्जा जी जो है वो धूप उठा रहे हैं, और उसके बाद वो मिणसेंगे। पूजा में हमने हलवा पूरी और खीर रखा था, तो वो कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं जिज्जा जी। और काफ़ी सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि जो चश्मे वाली है वो आपकी कौन लगती है कौन नहीं, तो जी ये रुचि है। और मैं आपको बता दूँ कि ये मेरी बहन है, मेरे ताऊ जी की बेटी है, बड़ी है ये मुझसे 3 से 4 साल, 4-5 साल ये मुझसे बड़ी है। तो और ये मेरी जेठानी भी लगती है। तो मैं सही में बताऊं तो इस बार मेरी और रुचि की ये शादी के बाद पहली दिवाली है, यानी कि जब से हम देवरानी जेठानी बने हैं तब से ये हमारी पहली दिवाली है। बहनों के तौर पे हमने अपने घर में काफ़ी सारी दिवाली सेलिब्रेट की है, साथ में ही की हैं जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन शादी के बाद जब से रुचि की शादी हुई है और मेरी शादी हुई है तब से हमने ये पहली दिवाली है। तो आप कह सकते हैं कि देवरानी जेठानी के रूप में मेरी और रुचि की ये पहली दिवाली है, और बहनें होने के साथ साथ हम दोनों देवरानी जेठानी भी हैं। तो जी देखिए यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है, और काफ़ी सारे लोगों के शायद मुझे लगता है कि आज के कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे कि रुचि के बारे में कि रुचि कौन है। तो रुचि मेरी कज़न सिस्टर है, आशु सबसे बड़ी है हमारे में, आशु और मैं सगी बहनें हैं, और रुचि जो है वो हमारे ताऊ जी की बेटी है। आशु और रुचि दोनों मुझसे बड़ी हैं, और वैसे भी वो मुझसे रिश्ते में बड़ी हैं और उम्र में भी दोनों मुझसे बड़ी हैं। यहाँ पर दोनों मेरी जेठानियाँ लगती हैं, और मायके की तरफ से मैं आपको बताऊँ तो दोनों मेरी बड़ी बहनें हैं और मैं इनमें छोटी हूँ। तो जैसा कि रुचि भी अभी आगे आपने सुना होगा कि तो जब मैं आती हूँ गाँव में तो रुचि को ऐसा लगता है कि मैं बड़ी हूँ और मैं छोटी हूँ, मतलब मैं छोटी हूँ। तो जैसा हो ही जाता है कि भैया एक बड़े वाला, तो उसका हिसाब किताब मेरे साथ थोड़ा सा अलग है और बाकियों के साथ उसका अलग है। और रही बात मजाक करने की, तो मैं सबके साथ ऐसे ही हंसती बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी एक को कर रही, और किसी के साथ मजाक करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम उसकी इंसल्ट कर रहे हैं या उसे नीचा दिखा रहे हैं। ये इंसान की अपनी ही सोच होती है कि वो किसी को किस वे में, किसी बात को किस तरीके से ले रहा है, किस तरीके से नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों बहनें लगी हुई हैं, और जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि ससुराल में हम दोनों जेठानी और देवरानी हैं, और मायके में जाके जो हमारे मायके वाले रिश्ते हैं वो शुरू हो जाते हैं, जबकि ससुराल में भले ही हम बहनें हैं लेकिन काम हमारे सारे वही होते हैं जो ससुराल में, मतलब देवरानी जेठानियों वाले होते हैं, जैसे कि भाई पूजना करना या जो भी है। तो मम्मी वैसे ही कराती है जैसे कि बहुओं के कराए जाते हैं, ना कि बहनों के। तो देखिए जी यहाँ पे अब पूजा पाठ करने के बाद, दिए वगैरह रखने के बाद, यहाँ पे हम लगाने लगे हैं खाना। तो पहले मैं पूरी बना रही थी, रुचि खाना दे रही थी, फिर वो कहने लगी कि तू खाना दे दे, पूरी मैं बना दूंगी यहाँ पे। और जी देखिए रुचि का मैं ये नहीं कहती कि जब मैं आती हूँ मैं ही करती हूँ या कोई भी, हाँ ये ज़रूर है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जब भी मैं, रुचि, मैं, आशु या सुमन आते हैं तो हम ही करते हैं।
तो उस बात में मैं ये नहीं कहती कि रुचि नहीं करती, रुचि के जो काम है वो करती है, उसकी गुड़िया है। मैंने कल भी कहा था कि रुचि की गुड़िया छोटी है, इसीलिए मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी को काम बताऊं। जो रुचि का खुद का मन होता है काम करने का, या जो उसके काम फिक्स है, वो ज़रूर करती है, लेकिन मैं उसके अलावा उस पर कोई काम नहीं करवाती कि भाई मुझे भी पता है कि वो बड़ी है और उसके साथ छोटे बच्चे हैं, या मैं कैसे मैनेज करती हूँ। ये ज़रूर है कि भाई वहाँ पर हमारा रहन सहन अलग है और गाँव में आने के बाद रहन सहन अलग हो जाता है, तो उसी हिसाब से भी हमारे काम होते हैं। तो जी देखिए यहाँ पे बस अब रुचि बनाने लगी है खाना और मैं देने लगी हूँ, और इसके बाद सब खाएंगे, किचन का काम निपटेंगे, सारे काम करेंगे। तो जी देखिए हमारी देवरानी जेठानी की पहली दिवाली बहुत धूमधाम से मनी है। दोस्तों एक बार फिर से आपको नमस्कार, राधे राधे, और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हो चुकी है रात और यहाँ पे सब बैठ गए हैं अपना हाथ मतलब थक थका के पूजा पाठ करके बम बजा रहे हैं पूरे मतलब गांव वाले पूरे लगे हुए। और यहाँ पे ये देखे ये इसका बम स्पेशल छोटी सी का पानी पे कौन सी छुट्टी तेरी, ये इसका बम, ये तो जी सारे के सारे थके हुए हैं बहुत ज्यादा। और तो इसीलिए इस व्लॉग को यहीं पे विराम देंगे, मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राधे राधे, और दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को मेरा नमस्कार, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी माता आपको आशीर्वाद दे और आप पर कृपा करके हमारे साथ हमें जरूर सब का कृपा के चक्कर में हवा लगाते चलिए ऐसे बता दिया जैसे बन रहा है ऐसा ही बना रहे और सबका जीवन हंसी खुशी निकल जाए। और हम लोग हर साल ऐसे ही दिवाली आपस में सौहार्द बना रहे इसी तरीके से मनाते रहे। तो जी करते हैं चलिए जी फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना बहुत ध्यान रखिए। तो हैप्पी दिवाली, बाय बाय, हैप्पी दिवाली, होली दिवाली।